23 जून को बिहार में होगी विपक्षी दलों की बैठक। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्ष का मंथन। विपक्षी दलों की बैठक में जुटेंगे पार्टियों के मुखिया। पहले 12 जून को होनी थी विपक्षी दलों की बैठक, पार्टियों के अध्यक्ष के न आने से यह बैठक टल गई थी। तो आप समझिए ना, लगभग 15 पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी के सब और सभी पार्टी के ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, जो आ रहा है लीडर आ रहा है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, तो कल पता ही ना दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी और राहुल गांधी। कांग्रेस का पूरा स्वभाव एक प्रकार से लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही रहा है और जिस संगत में वो जा रहे हैं, बंगाल में ममता जी क्या करती हैं, विपक्ष के लोग कितने पिटते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव में कितना गड़बड़ी होती है, और जो केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों का क्या हाल किया। तो कृपया करके जिनके साथ वो बैठ रहे हैं वहाँ तानाशाही कितनी है, और जो परिवार निष्ठ पार्टियाँ हैं वहाँ कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, नीतीश जी चाहते थे कि ये पहली बैठक है तो पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष है, वो उसमें शामिल हों, तो इसीलिए इस तारीख को बढ़ाई गई थी और अब 23 तारीख रखा गया है। तो हमको लगता है कि उसमें सभी लोग शामिल होंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी विपक्ष की एकता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।